आपका वही काम है, बनाना है आपको। आपको केवल पढ़ना नहीं, आपको बाहर से देखना नहीं है, आपको उसके अंदर जाके आपको बनाना है। जैसे डॉक्टर क्या करता, ऑपरेट कर रहा है, सर्जन सर्जरी कर रहा है, वो जाके सब कर रहा है, और जब वही डॉक्टर बाहर आता है तो लोग पूछते हैं कैसे तबीयत है, हाँ ठीक है नॉर्मल है, हाँ अब वो नॉर्मल है, लोग खुश है, अरे सब नॉर्मल है नॉर्मल है। अब वही चर्चा चल रही पूरे शहर में, नॉर्मल है नॉर्मल है, लेकिन वो जो काम कर रहा वो कोई करेगा नहीं करेगा। ऐसे आप यूनिक हो इस कंट्री में, और अपने की पहचान बनाना है, और उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। हर लाइन पे, हर स्टेज पे अपने आप को, मतलब खुद का खुद सपोर्ट बनना है कि हाँ मेरे को नहीं आ रहा था अभी आ गया, हाँ अभी नहीं आ रहा था अभी आ गया, ऐसे सोचते चलो आप। नहीं आ रहा था देखो आ गया, देखो नहीं आ रहा था आ गया, आप ऐसे सोचते चलिए बस। देखिए आपका मन खुश रहेगा और फिर वो कभी भूलेगा नहीं। ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं। अब देखो जब मैंने बोला कि इसका हमें RMS निकालनी है, तो रूट मैंने लगा ही दिया है, और अब मीन करोगे 4 sin 100 pi t प्लस 3 cos 100 pi t का स्क्वायर। अब इसके आगे फिर रूट में इसे ओपन करवाना है ना आपको, करो तो 16 आ जाएगा साइन स्क्वायर 100 pi t प्लस 9 आ जाएगा कास स्क्वायर 100 pi t, हाँ ये भी आ जाएगा। और बच्चों प्लस इसको मिटा दूं क्या, आपने लिखा ही होगा, लो पूरा ही मिटा दिया प्लस। अब आप क्या लिखोगे, 2 ab 2 × 4 × 3 साइन 100 pi t × cos 100 pi t लिखना तो पड़ेगा ना ऐसे। अब बच्चों एवरेज वैल्यू ले आना है आपको, यहाँ पे भी ये वाला सिंबल नहीं लगाया मैंने। अब देखो सबका एवरेज वैल्यू लिखना है और डायरेक्ट लिखना है अब आपको, तो साइन स्क्वायर का तो हाफ हो जाएगा, कास स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, और बाकी सब साफ हो जाएगा, साइन भी जीरो और कास भी जीरो, और साइन 2 थीटा कर देंगे, 2 sin थीटा कास थीटा तो और बड़ा जीरो, साइन कास चाहे थीटा हो चाहे 2 थीटा हो चाहे 1000 थीटा सब जीरो होगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 25/2 और ये वैल्यू आएगा 5/√2 एम्पियर। हाँ आप लोगों ने सही निकाला था, शाबाश। अब सभी लोग बताइए RMS वैल्यू निकालने में कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है, लगा लेंगे, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे जैसे आप देख रहे हैं। बच्चों बेसिक एलिमेंट्री पॉइंट तो हो गए, अब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को देखेंगे, कैपेसिटर को देखेंगे, ये सब कैसे काम करेंगे। तो अगला लाइन है रजिस्टर इन सर्किट, अगला पॉइंट। रजिस्टर इन सर्किट, देखो ये डेमो है, डेमो समझते हैं मतलब दिखावा। अब इसको मैं ऐसे ही डेमो बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्या क्या करोगे, इसके बाद जब करना होगा तब कैपेसिटर और इंडक्टर लेंगे। पहले एक बार ज़रा रिहर्सल कर लेते हैं, ऐसे रिहर्सल माने दो चार लोगों को बैठा के देख लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है,
तब उस पर एक्चुअल वर्क होगा। तो इसको आपको देखना भी है, लिखना भी है, साथ में रहना है। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर इन सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है V, V बराबर आप लिखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया है। अब इसके आगे मेरे को क्या करना है वो इधर लिख रहा हूँ। सबसे पहला काम है करंट निकालना, करंट I बराबर V अपान R। V अपान आर मतलब V नॉट अपान आर साइन ओमेगा टी। फिर आप इसे लिखोगे इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों I का मान लिखोगे I नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब इसे मैंने लिखा तो इसके लिखते ही हमें कौन कौन सी बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे वोल्टेज का वेव इक्वेशन है और वहाँ पे करंट का वेव इक्वेशन है। अब हम जब दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज। मतलब मेरा मन पहले इसे ढूंढे कि वोल्टेज और करंट कैसे हैं। अब जैसे यहाँ पे सेम फेज में है, अब अगर सेम फेज में है तो बच्चों इसे हमें एक्सप्रेस करना है। ये सेम फेज में है तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने का तरीका दो है। यह सेम फेज को हमें बताने के लिए दो काम करनी है। एक बनाना पड़ता है फेज डायग्राम, सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम अल्टरनेटिंग का फेज डायग्राम ही होता है। अगर फेज डायग्राम नहीं बना तो समझ लो कि उनको कभी सवाल नहीं आएगा, ये तय है। यहाँ पे केवल बच्चों को फेज डायग्राम बनाना नहीं आता जिनको अल्टरनेटिंग सवाल नहीं आता। अगर फेज डायग्राम बन गया तो सवाल बवाल अपने आप भाग आते हैं। अब फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम कुछ नहीं है, एक एक्सिस हो गया करंट का और एक एक्सिस हो गया वोल्टेज का। मतलब एक एक्सिस हो गया एक्स और एक हो गया वाई, ऐसे समझ लो ये दो एक्सिस हो गया। अब आप देखिए कि करंट और वोल्टेज क्या दोनों अलग अलग लाइन में हैं कि एक ही लाइन में हैं। अगर एक ही लाइन में है तो बच्चों रेजिस्टेंस अगर है तो इसका मतलब इधर करंट भी है और इधर वोल्टेज भी है। तो हम यहाँ पे V भी दिखाएंगे और I भी दिखाएंगे, बस इसको कहते हैं फेज डायग्राम। इतना बना लोगे, उसमें बनाना क्या, दोनों एक लाइन खींच दो, बन गया फेज डायग्राम। ए फेज डायग्राम, अब फेज डायग्राम बन गया तब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बात ऐसे ऐसे कर दिया। तब बोला गया कि अच्छा थोड़ा बड़ा बात बना लो, तब उसका नाम क्या पड़ा, वेव डायग्राम। अब हम वेव डायग्राम बनाएंगे। वेव डायग्राम में एसी, वेव डायग्राम में करंट भी वेव है और वोल्टेज भी वेव है, और दोनों कैसे हैं तो बच्चों दोनों सेम फेज में हैं। हम इसे ना एक बार दिखाते हैं। साइन कर्व है तो साइन ही बनाना है, तो आप ऐसे बनाएंगे। एक ये बना दिया, एक और बना दिया, ऐसे ही ये बना दिया। ये वेव डायग्राम है,
इससे ही पता चल रहा है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। अरे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, लेकिन फेज तो हमेशा एक ही है। एक को इसमें किसी को करंट बना लो और किसी को वोल्टेज बना लो, जो अच्छा लगता हो उसे वोल्टेज बना लो और जो ख़राब लगता हो उसे करंट बना लो। मतलब एक वी हो गया और एक आई हो गया। कोई भी हो सकता है, कोई भी आई हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, क्योंकि आर का मान क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। बच्चों ये फेज डायग्राम और वेव डायग्राम जो मैंने बनाया, आपको ये बात समझ नहीं आई क्या? आ गया? अच्छा ठीक, ऐसे आता रहे, आगे बढ़ते भी रहेंगे। अब देखिए अगली बात क्या है, एक काम मेरे को ये करना है। दूसरा बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है ना आर, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस है और R बराबर हम लोग लिखेंगे V अपान I, और V अपान I बराबर होगा V नाट अपान I नाट, और V नाट अपान I नाट हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इट इज नॉट फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसे बताना पड़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो भी बताना पड़ेगा, आपने उसको बताया। अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, आगे उठाऊं थोड़ा सा, हो गया है? अब अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता तो इसे भी हम थोड़ा अच्छा सा चित्र बनाएं और दिखाएं पब्लिक को, बोलेंगे कि देखो भाई तू फ्रीक्वेंसी को बढ़ा ले चाहे घटा ले, जो रेजिस्टेंस है वो बदलेगा नहीं, अब रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लाल रंग वाला रेजिस्टेंस है, आर कांस्टेंट है, आप इसको बनाएंगे। ये इतनी बात हो गई। सबसे पहला काम है फेज डायग्राम, वेव डायग्राम का आइडिया हो गया, फिर रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड किया कि नहीं किया, और उस रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी के साथ बनाना है, ओमेगा के साथ बनाना है। कांस्टेंट है तो लाइन दिखा दिया। अब लास्ट में आता है आखिरी बात, और वो होता है एवरेज पावर। क्या बोला? हाँ, ये आखिरी लाइन आती है एवरेज पावर। अब एवरेज पावर अगर लिखना है तो आपको लिखना होगा V और I का मल्टीपल। सही है बच्चों लोग? V और I दोनों आया है, ज़रा पढ़ो क्या क्या आया था। V नाट के आगे भी कुछ पढ़ोगे? V नाट बस I को I नाट साइन ओमेगा T। हाँ पूरा पढ़ा करो। अब V नाट I नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ। अब ये हाफ अकेले है तो वी नाट बाई रूट टू इधर करो और आई नाट बाई रूट टू इधर करो। तो बच्चों एवरेज पावर जो आ रहा वो कितना आ रहा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये एवरेज पावर आया। अब ये बताओ एवरेज पावर जो आया वो जीरो है कि नॉन जीरो? ये जीरो दिख रहा है आपको, नॉन जीरो है। अगर ये जीरो नहीं है तो जो करंट है, जो करंट फ्लो कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट माने करंट, वो करंट का नाम होगा और वो नाम होगा वाटलेस। कौन सी करंट? वाटलेस करंट। कभी कभी टीचर पूछ लेता है करंट कैसी है। अब करंट कैसी हो तो अल्टरनेटिंग है ही है एसी। अब उस समय वो कैसी का मतलब है वाटलेस पूछा है कि वाटलेस है कि वाटफुल है। अगर पावर जीरो ना हो तो क्या बोलोगे? वाटफुल। और पावर जीरो हो जाए तो वाटलेस, मतलब करंट है।
ऐसा नहीं करंट नहीं है, करंट है लेकिन पावर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा है कि वाटलेस लिख दिया, क्या वाटफुल होगा ना ये तो? हाँ वाटलेस नहीं, वाटलेस तो तब होगा जब पावर का मान, हाँ तो बच्चों ये वाली कौन सी करंट है? वाटफुल है, लेस नहीं बोलना है, जीरो नहीं है, वाटफुल है। जब जीरो होगा ना तब लेस बोलेंगे। मतलब यहाँ पे कह रहा पावर के साथ, मतलब ऐसी करंट जिसमें पावर है। जैसे कोई आपको ज़रूरत है, कोई आदमी आया ज़रूरत के लिए आपने बुलाया, अब वो आया बोला कि बस तुम लोग अब आराम करो मैं सब कर दूँगा, इसका मतलब उसमें पावर है, वाटफुल है। अब एक और आया बोला रुको मैं अपने दूसरे दोस्त को बुलाता हूँ, इसका मतलब तब क्या लेने आए थे? हाँ जब आपको जब कुछ पता नहीं है तो आप करने के आए थे, इसका मतलब वो कहे थे कैसे थे? नॉलेज लेस, वाटलेस, यही मतलब हुआ। तो ये वाटलेस नहीं है, वाटफुल है। और जब वाटफुल है तो रजिस्टेंस कैसा होगा? रजिस्टेंस होता है एक टेम्प्रोरी और एक होता है परमानेंट। तो ये वाला कौन है? परमानेंट रजिस्टेंस है। और अगर टेम्प्रोरी होता तो पावर जीरो होता। तो जो परमानेंट रजिस्टेंस है, अब आपको इतना काम करना है, सब लोग कर लेंगे इतना काम? हाँ अरे हाँ नहीं कुछ बोल दिया करो, आप बोलते रहा करो। देखो यही समय है, नहीं बोलोगे तो कल दूसरे लोग बोलेंगे आपको देखकर, इसलिए अभी से बोलते रहो, हरदम बोलते रहना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रजिस्टर इन एसी, डेमो हो गया, अब एक्चुअल सर्किट लेना है। अब एक्चुअल सर्किट में आप लिखेंगे इंडक्टर इन एसी, इंडक्टर इन एसी, इंडक्टर इन एसी। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टर इन एसी। साथ में अपने आप को रखेंगे और जहाँ नहीं समझ आएगा डिस्कस करते रहेंगे और बहुत शांति से अब सीखना। अब बच्चों हमें इंडक्टर लेना है अल्टरनेटिंग सर्किट में। ये इंडक्टर है, और यहाँ पे मैंने कोई सोर्स लगाया, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल है, अब ये सोर्स लगाया। देखो आप यहाँ पे वोल्टेज भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे वी लिखें कि आई लिखें, हमें जो मन आएगा हम वो लिख सकते हैं, कोई यहाँ नियम नहीं है कि वोल्टेज लिखें कि करंट लिखें, जो आपको समझ आए वो लिखो। अब समझ में जो आए वो लिखो, तो समझने का तरीका भी कोई होगा कब क्या लिखें। अब आप ये बताइए कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कौन आसान लगता है? तो क्यों आसान काम छोड़ के मुश्किल काम करोगे? डिफरेंशिएशन आसान है। अगर कोई बोलते हैं कि इंटीग्रेशन आसान लगता है, इसका मतलब उनको कुछ नहीं आसान है। तो आसान क्या है? डिफरेंशिएशन। इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन होता है उसके बाद इंटीग्रेशन आता है, इसीलिए डिफरेंशिएशन आसान है। अब अगर डिफरेंशिएशन आसान है तो हम मुश्किल काम क्यों करें? हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट मानेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये मेरा अपना मानना है, आपकी किताब में वोल्टेज ही माना होगा, अब उस किताब वाले क्या मतलब है कि बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। हाँ जो माना है वो लिख दिए हो, अरे सही से लिखो ताकि वो समझ भी ले। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट का वेव इक्वेशन दिया है,
आपको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज V बराबर माइनस साइन छोड़ दो आप, एल डी आई अपान डी टी। अब अगर हम V माने होते तो I निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता, और इंटीग्रेशन में टेंशन होता है और डिफरेंशिएशन में खुशी मिलती है, इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, L और इसको डिफरेंशिएट करो, इसे करो I नॉट ओमेगा और साइन की जगह कॉस ओमेगा टी। फिर आप लिखोगे V बराबर I नॉट L ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये बराबर हुआ, बच्चों V बराबर I R होता है ना, तो I नॉट XL कॉस ओमेगा टी हुआ, और इसे मैं लिखूंगा V नॉट कॉस ओमेगा टी हुआ, ये वोल्टेज का इक्वेशन आ रहा है। अब आप इसे और अच्छा लिख सकते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो गया, ये आपका एक इक्वेशन आया यहाँ पे, क्योंकि पहला काम है ना वेव इक्वेशन लिखना, तो वोल्टेज का वेव इक्वेशन आ गया। अगर सर्किट में इंडक्टर है तो करंट और वोल्टेज में कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, कितना आगे है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हो वोल्टेज आगे है और कितना आगे है, 90 डिग्री किससे आगे है, फ्रॉम करंट। बच्चों ये हम इसे देख करना लिख सकते हैं, ये वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री फ्रॉम करंट, ये बात हो गई। अब देखो पहले तो मैंने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा और जो हमें दिख रहा है कि वोल्टेज आगे है वो लिख दिया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जब हमें वेव का इक्वेशन मिल जाता है तो हमें दो चीज़ बनाना पड़ता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन सा डायग्राम, हाँ फेज,